किसान आंदोलन में किसानों और सरकार के बीच बातचीत का आठवां दौर खत्म हो गया। किसानों को आशा थी कि भाजपा सरकार अपनी कथनी के अनुसार किसानों का कुछ सम्मान तो करेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। वार्तालाप करने वाले मंत्री मीटिंग में देर से पहुंचे और बिल वापस न लेने की बात करते रहे। किसान सरकार के रुख से नाराज हैं। आज दोपहर में मैं किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे पंजाब के सांसदों से मिली। पूरे दिन भर मैं भारत के हर कोने से इस किसान आंदोलन के समर्थन की आवाज सुनती रहती हूँ। 26 जनवरी 2021 को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। जब भी इस देश के जनगण मन की बात करते हैं, उसमें किसानों का जिक्र आना जरूरी हो जाता है। पूरे भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक ताने बाने का जिक्र किसान के बिना अधूरा है। भाजपा सरकार आज जिस आत्मनिर्भर के नारे का झूठा ढोल पीट रही है, उस नारे को आत्मसात कर किसानों ने हरित क्रांति में हिस्सा लेते हुए खाद्यान्न के मामले में बहुत पहले भारत को आत्मनिर्भर बना दिया था। किसानों के बिना इस देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज इस पूरे आंदोलन में लगभग 60 किसानों की जान जा चुकी है। किसानों ने लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले का सामना किया, वाटर कैनन को झेला, सरकारी तंत्र व मीडिया के एक हिस्से द्वारा फैलाई गई गलत सूचनाओं का जवाब दिया, ठंड झेली, बारिश में भी डटे रहे। किसान अपनी सालों की मेहनत का हक लूटने से रोकने के लिए डटे हैं। इस धरती पर मेहनत कर अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरने वाले किसान आज इन कानूनों की सच्चाई बताने सड़कों पर हैं। आज इस देश को सोचना है कि किसान कानून किसानों के खेत में बनेंगे या भाजपा सरकार के चंद अरबपति मित्रों के ड्राइंग रूम में। इस देश के किसानों ने, इस देश का कानून बनाने वाले कई सारे सांसदों व विधायकों ने व करोड़ों आमजनों ने किसानों पर थोपे जा रहे इन कानूनों को अलोकतांत्रिक व किसानों के खिलाफ बताया है। लेकिन भाजपा सरकार का व्यवहार देखकर पूरा देश हैरान है। कल यूपी से आए एक वीडियो में एक पुलिस वाला एक किसान को धमकाते हुए कह रहा था, तुम्हारा छज्जा गिरा देंगे। कल कई जगहों पर किसानों को रोककर उन्हें धमकाया गया। इसके पहले किसानों पर हरियाणा सरकार ने आंसू गैस के गोले बरसाए। यूपी में तो आंदोलनकारी किसानों की पहचान करने के लिए सरकार ने तो पूरा प्रशासनिक बल लगा दिया। भाजपा नेता किसानों को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रही हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी कहा करते थे कि सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन किसान नहीं। हमारे आजादी के नायक महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों की आवाज का समर्थन किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। इस सरकार ने क्रूरता व निर्दयता की हदें पार कर दी हैं। आज किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे पंजाब के सांसदों से मैंने यही कहा, हम किसानों के साथ हमेशा रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। समाधान यही है कि कानून वापस लें, और कोई समाधान नहीं है। यही समाधान है, किसान और उनकी मेहनत का सम्मान है। इसी समाधान में किसान और उसकी मेहनत का सम्मान है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।